हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी में। और आप सबके सामने लेके आया हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं किस कंट्रीज़ की कौन सी कैपिटल है, किस कंट्रीज़ की क्या करेंसी है, लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। तो सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है करेंसीज़, कैपिटल, आपकी लैंग्वेज वगैरह किस देश की क्या है। तो एक नंबर में अक्सर MCQ के फॉर्म में अक्सर हम लोग देखते होंगे पूछे जाते हैं। सो हम लोग अब शुरू करेंगे, देखेंगे एक एक कंट्रीज़ की क्या क्या आपकी कैपिटल्स हैं, क्या क्या उनकी करेंसी हैं, लैंग्वेज हैं, हर एक देश की एक एक कॉन्टिनेंट को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की जो कॉन्टिनेंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स, उसके जो कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उसके जो आपके कंट्रीज़ के कैपिटल्स, करेंसी और उनकी कौन कौन से उस देश में भाषाएँ बोली जाती हैं। आगे देखते हैं तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा वो आ रहा है, कंट्री आ रही है, ये है एंगुला। एंगुला की कैपिटल है द वैली और यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है, ईस्ट कैरेबियन डॉलर और भाषा बोली जाती है इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, एंटीगुआ एंड बारबुडा की कैपिटल क्या है, सेंट जॉन्स, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपकी करेंसी चलती है ईस्ट कैरेबियन करेंसी, यहाँ पर भी चलती है इंग्लिश भाषा, यहाँ पर भी बोली जाती है। अरुबा एक देश है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अरूबा की कैपिटल ध्यान रखिएगा ओरेंज जेस्टेड है और वहाँ पे कौन सी करेंसी है, अरूबन फ्लोरिन और ये आपकी पेपीमेंटो डच, यहाँ पे भाषा बोली जाती है। बहमास आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, बहमास वगैरह की राजधानी पूछी जाती है तो ध्यान रखिएगा बहमास की राजधानी नसाऊ है, इंपॉर्टेंट एक तरीके से इंग्लिश यहाँ पे आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। बारबाडोस की पूछी जाती है तो आप क्या बताओगे, ब्रिज टाउन है यहाँ की कैपिटल और बारबेडियन डॉलर यहाँ की आपकी करेंसी है, इंग्लिश भाषा बोली जाती है। बेलीज एक कैपिटल आपकी एक देश है, उसका राजधानी क्या नाम है, बेलमोपेन, और बेलीज डॉलर चलता है, इंग्लिश यहाँ पे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज। बरमूडा, बरमूडा के बारे में हम लोग सुने हैं तो बरमूडा की राजधानी का क्या नाम है, हैमिल्टन इज़ द कैपिटल ऑफ बरमूडा, बरमूडियन डॉलर यहाँ पर भी चलता है। बोनैर एक देश है छोटा सा, उसकी राजधानी क्या है, क्रैनलैंड डिस्क, ठीक है ना, यहाँ पे डच भाषा बोली जाती है। USD आपके यूनाइटेड स्टेट की जो USD US डॉलर हम लोग जो देखते हैं जानते हैं उसके बारे में वो यहाँ पे यूज़ की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, यहाँ की राजधानी क्या नाम है, रोड टाउन, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की राजधानी का नाम क्या है, रोड टाउन, यहाँ पर भी डॉलर चलता है, इंग्लिश यहाँ की भाषा। कनाडा के बारे में हम लोग सब जानते ही हैं, कनाडा की राजधानी क्या नाम है, ओटावा, कैनेडियन डॉलर यहाँ चलती है, फ्रेंच इंग्लिश दो भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। केमैन आइलैंड की राजधानी का नाम जॉर्ज टाउन और यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाता है, इंग्लिश, और केमैन आइलैंड डॉलर यहाँ की खुद की अपनी करेंसी है। फिर उसके बाद है क्लिपर टन आइलैंड है एक, ये अनहैबिटेड है, यहाँ पे यूरो आपकी वो चलती करेंसी, फ्रेंच लोग यहाँ बोलते हैं। कोस्टा रिका, सैन जोस यहाँ की राजधानी है और यहाँ पे कोस्टा रिकन कॉल यहाँ की करेंसी, स्पेनिश भाषा लोग बोलते हैं। क्यूबा, क्यूबा की अक्सर आपसे पूछ ली जाती है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा, तो आप क्या बताओगे, हवाना इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा। पेसो कन्वर्टर, पेसो यहाँ की वो स्पेनिश यहाँ की भाषा है। कुरैको, कुरैको की राजधानी क्या नाम है, बिलमास्टेड, फिर यहाँ की अपनी नीदरलैंड एंटेलियन गिल्डर यहाँ की आपकी क्या करेंसी है, और पेपीमेंटो टच यहाँ के लोग भाषा बोलते हैं। डोमिनिका एक कंट्री है, सुने होंगे आप लोग, वहाँ की राजधानी का नाम है रोसेव और ईस्ट कैरेबियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, और फ्रेंच ये लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग बढ़े और यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, डोमिनिकन रिपब्लिक, यहाँ की राजधानी क्या नाम है, सेंटो डोमिंगो और यहाँ की आपकी करेंसी क्या है, डोमिनिकन पेसो, स्पेनिश लोग ये लोग बोलते हैं। इल सेल्वाडोर, सेल्वाडोर यहाँ की कैपिटल है, USD यहाँ की आपकी करेंसी है, स्पेनिश भाषा लोग बोलते हैं। ग्रीनलैंड की राजधानी का क्या नाम है, जो नुक, नुक इज द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड, यहाँ की ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ग्रीनलैंडिक। ग्रेनाडा, ग्रेनाडा की आपकी कैपिटल क्या नाम है, सेंट जॉर्ज और ईस्ट कैरेबियन डॉलर लोग यूज़ करते हैं, इंग्लिश भाषा बोलते हैं। फिर एक कंट्री छोटा सा गुडवेल पो,
बेस्टेरे यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है, फ्रेंच लोग बोलते हैं। गौटेमाला अक्सर पूछ लिया जाता है, तो गौटेमाला की राजधानी गौटेमाला सिटी ही है। गौटेमालन क्विट्ज़ले लोग आपकी करेंसी यूज करते हैं, स्पेनिश भाषा बोलते हैं। हैती, हैती छोटी सी आपकी आइलैंड कंट्री है। पोर्टिनो प्रिंस यहाँ की आपकी करेंसी, आपकी कैपिटल है। तनगॉड यहाँ की करेंसी फ्रेंच भाषा लोग बोलते हैं। होंडुरस कंट्री, तेगू सिगपल्पा हॉन्ड्रेम लैम्प्रिन, नाम भी थोड़े कठिन है, प्रोनंसिएशन भी इधर उधर हो सकता है, कोई बात नहीं। फिर स्पेनिश इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सब हैती गौटेमाला ये सब इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, एग्जाम में आपके पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। हमें चलते हैं आगे। फिर आता है जमैका, अक्सर हम लोग देखते होंगे जमैका में मैचेस वगैरह होते हैं। किंगस्टन उसकी कंट्री है, कैपिटल का नाम है जमैका के, और जमैकन डॉलर यहाँ चलती है, इंग्लिश भाषा लोग बोलते हैं। मार्टिनक्वी फोर डे फ्रांस यहाँ की कैपिटल है, यूरो ये लोग अपनी करेंसी यूज करते हैं, फ्रेंच भाषा बोलते हैं। मैक्सिको के बारे में हम लोग देख रहे हैं, उसकी लोकेशन कहाँ पे, यहाँ की कंट्री का कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। मैक्सिकन पेसो इज द करेंसी एंड स्पेनिश इज द लैंग्वेज। मोनस्टेट की कैपिटल क्या है, प्लाइमोथ ऑफिशियल कैपिटल है, और इस कैरिबियन डॉलर यूज करते हैं, इंग्लिश भाषा लोग बोलते हैं। नवासा आइलैंड की राजधानी क्या नाम है, इंसुलर एरिया ऑफ द यूएसए है। यूएसडी डॉलर इन लोगों की भाषा है, इंग्लिश इन लोग की भाषा, यूएसडी इनकी करेंसी है, सॉरी फॉर दैट। निकारागुआ का मंगाउआ इनकी कैपिटल, निकारागुआ कोरोडा इज द करेंसी एंड स्पेनिश इज द लैंग्वेज। पनामा अक्सर हम लोग, पनामा की राजधानी पनामा सिटी, और ये यूएसडी भी यूज करते हैं। और आपका बालबोआ इनकी वह स्पेनिश भाषा बोलते हैं। चलिए देखते हैं, अब अक्सर पूछा जाता है पुर्टोरिको, पुर्टोरिको अक्सर चर्चा में रहती है कंट्री। सैन जुआन इज द कैपिटल, डॉलर इनकी आपकी करेंसी, इंग्लिश भाषा बोलते हैं। सबा की कैपिटल का नाम है द बॉटम, अच्छा नाम है। यूएसडी यहाँ पे आपकी करेंसी है, डच भाषा बोलते हैं। सेंट बर्थेलमी की राजधानी गुस्टाविया, यूरो भाषा बोलते हैं, फ्रेंच भाषा बोल के यूरो करेंसी यूज करते हैं। सेंट किट्स एंड नेविस वेस्टर्न इज द करेंसी कैपिटल, इस कैरेबियन डॉलर द करेंसी, इंग्लिश इन लोग की लैंग्वेज है। सेंट लूसिया की कैपिटल कैस्टिस, और ये यस एक्सडी मतलब इस कैरेबियन डॉलर इनका करेंसी है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। सेंट मार्टिन की मैरीगॉट, यूरो इन लोग की भाषा है, फ्रेंच भाषा बोल के यूरो करेंसी यूज करते हैं। सेंट पियरे एंड मैकलिन, सेंट पियरे यूरो इज द करेंसी, फ्रेंच इज द लैंग्वेज। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडियंस, किंगस्टन इज द कैपिटल, इस कैरेबियन डॉलर इज द करेंसी एंड इंग्लिश इन लोग की लैंग्वेज है। चलिए आगे देखते हैं, सिंट इस्चुरीज फिस की कंट्री, ओरेंजेस्टैड इनकी कैपिटल, एंड यूएसडी इज द करेंसी एंड डच इज द लैंग्वेज। सेंट मार्टिन की क्या है कैपिटल, फिल्सबर्ग नीदरलैंड, एंटेलियन गिल्डर इनकी क्या है करेंसी है, और डच इनकी भाषा है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो हम लोग अक्सर देखते हैं, पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल है, टीटीडी इनकी करेंसी, इंग्लिश इनकी भाषा। टुक्स एंड कैक्यूएस आइलैंड की क्या है, कोकबर्न टाउन, इंग्लिश इनकी भाषा। यूनाइटेड स्टेट के बारे में हम सब जाते हैं, वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर इनकी अपनी करेंसी है। मैनी नेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश वगैरह इनकी क्या है भाषा है। यूनाइटेड स्टेट वर्जिन आइलैंड, कोलेटो एमली इज द कैपिटल, डॉलर ही यहाँ पे करेंसी है, इंग्लिश भाषा बोलते हैं लोग। अब आ गया हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, देखते हैं इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो अमेरिकन समोआ की कैपिटल क्या है, पोगो पागो, पागो पागो, यूनाइटेड स्टेट डॉलर ही यहाँ पे है, इंग्लिश समोन यहाँ की क्या है भाषा है। एशमोर एंड कैटियर आइलैंड की एक्सटर्नल टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल का नाम कैनबरा है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ यूज होता है, इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। बेकर आइलैंड है एक जिसकी कैपिटल को ये सुनिश्चित नहीं है, इंसुलर एरिया ऑफ द यूएसए। कुक आइलैंड की अवरुआ है यहाँ की ये कैपिटल है, इंग्लिश भाषा बोलते हैं। कोरल सी आइलैंड की नो कैपिटल, एक्स्ट्रा नल टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिजी की राजधानी आपसे पूछी जाती है तो कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा सुआ इस द कैपिटल ऑफ फिजी, फिजियन डॉलर, और ये फिजियन इंग्लिश, फिजी हिंदी ये सब बोलते हैं
ये लोग। चलिए अगला देखते हैं क्या है। फ्रेंच पोलिनेशिया की कैपिटल क्या है? पपेटी। और सी पी ऑफ फ्रांस इज द करेंसी एंड फ्रेंच इज द लैंग्वेज। गुआम की हैगेटना। इंसुलर स्टेट है आपकी यूएसए की हवाना आइलैंड का। ये सब इंसुलर स्टेट्स हैं, कौन कौन से हैं? किंग्समैन रीव, जॉनस्टन अटॉल, जैरबिस आइलैंड, हवानन आइलैंड। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है आपका किरबाती, साउथ तारावा, मार्शल आइलैंड की राजधानी मजूरो, मिर्कोनेशिया, पालकीर एंड मिडवे अटॉल की नो कैपिटल। इंश्योरेंस स्टेट है ये आपकी यूएसए की। नौरू, वारेन, यारेन, सीट ऑफ गवर्नमेंट, न्यू कैलेडोनिया, नमाऊ, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, न्यूजीलैंड डॉलर है। तो दीज ऑल अबाउट द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट्स कैपिटल एंड करेंसी। तो इसी के साथ इस पार्ट में, ये पहला पार्ट में हम लोग ये दो कॉन्टिनेंट कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में जो आएंगे और जो बचे हुए आपके आपके अदर कॉन्टिनेंट्स हैं उनके कैपिटल्स हम लोग देखेंगे, करेंसी देखेंगे। बाकी इसको आप रिवाइज करते रहिएगा, जितनी हम इसके पहले हम लोगों ने स्लाइड्स देख लिया है। बाकी आने वाले वीडियोस में आप इसके अलग पार्ट देखेंगे। करंट अफेयर्स के आपके सारी सीरीज आ रहे हैं, डेली हम लोग करंट, डेली टू डेली हम लोग करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स करेंगे, जीके के स्टैटिक पार्ट की चर्चा करेंगे, आपके ऑप्शनल की हम लोग बातें करेंगे। तो अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, शेयर कीजिए। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।